सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे आपको हीरो की तरफ से हीरो स्प्लेंडर प्लस 2.0। तो बाइक का लुक्स के हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि इस बाइक में बहुत सारा कुछ चेंजेस आया है। तो आज इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि इस बाइक में क्या क्या चेंजेस आ गया है और इसमें क्या क्या आपको अपडेटेड फीचर्स देखने को मिल जाएगा और इस बाइक का प्राइस कितना है और इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिए और चैनल में नए आए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बाइक का हम लोग लुक से शुरू करेंगे कि इसमें क्या क्या लुक्स में डिफरेंस आया है और कलर में क्या क्या चेंजेस आया है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो है लेफ्ट पोर्शन में आपको एक चेंजेस तो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाऊंगा जो स्प्लेंडर प्लस लिखा गया है बगल में ही आप देख सकते हो 2.0 भी इधर लिखा गया है, मतलब ये जो है पूरा अपडेटेड वर्जन इधर आ चुका है। और इधर जो है आप देख सकते हो कि ऑरेंज कलर का स्टिकर इधर देखने को मिल जाएगा। इस बाइक का जो है कलर है ये मेटलिक ग्रे कलर में आपको देखने को मिल जाएगा और इसका जो है सीट भी आपको देखने को मिलेगा, ये फुल्ली अलग टाइप का सीट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ये इधर और एक डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा और इधर और एक डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। सो कुशनिंग भी अच्छा खासा देखने को मिल जा रहा है। कलरिंग में बहुत सारा चेंजेस भी आ चुका है, जो मेट कलर है इसमें स्क्रेच भी नहीं आएगा जल्दी से। और हीरो का जो है लोगो है इधर आपको 3D डिज़ाइन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस बाइक में जो है लेफ्ट पोर्शन में ऐसा ही मतलब ऐसा कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। जो है बैक साइड के बारे में बात किया जाए तो बैग में आप देख सकते हो इसका जो है ये मारगार्ड है, ये थोड़ा सा मोटा साइज का लगाया गया है, ये शायद आपको देखने को मिल जाएगा हीरो ग्लैमर या सुपर स्प्लेंडर का ये लगाया गया है। और जो है इधर आप देख सकते हो कि टर्न इंडिकेटर जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जा रहा है, मतलब ये अपडेटेड है तो थोड़ा सा अपडेटेड करने की भी कोशिश कर रहा है फिलहाल। तो ये जो है चेंजेस हुआ है टर्न इंडिकेटर। और राइट पोर्शन के बारे में बात किया जाए तो राइट पोर्शन में आप देख सकते हो इधर आपको देखने को मिल जाएगा FI वाला फंक्शन और स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0। और इधर आपको टैंक में देखने को मिल जाएगा एक स्टिकर और जो है हीरो का जो है लोगो है ये आपको जो है 3D डिज़ाइन के साथ देखने को मिल जाएगा। तो ये बाइक जो है येलो व्हील के साथ आ रहा है फिलहाल। और जो है इसका साइलेंसर है स्मॉल साइज का साइलेंसर इधर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम लोग जो है बात करेंगे इसका फ्रंट लुक से। सो फ्रंट लुक जो है आपको देखने को मिलेगा एक अट्रैक्टिव लुक्स के साथ इसका फ्रंट लुक्स देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा फुल्ली LED का सेटअप इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इसमें जो है आप इधर DRL देख सकते हो, इधर दोनों DRL इधर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ये DRL भी आपको जला के दिखाऊंगा कुछ देर के बाद। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि इसमें जो है आपको DRL देखने को मिल जा रहा है और जो है LED का लाइट देखने को मिल जा रहा है। तो 2 पार्टीशन में इधर LED लाइट इधर प्रोवाइड कर रहा है हीरो। तो पहले तो हीरो जो है इधर ये बाइक को अपडेटेड करने की कोशिश कर रहा है फिलहाल, तो अपडेट भी हुआ है। और इसका जो है इंजन के बारे में जानकारी हम लोग देंगे आपको। तो फ्रंट में जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इधर प्रोवाइड किया जा रहा है। बैग में जो है आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जा रहा है, मतलब ये जो सस्पेंशन जो इधर दिया गया है 5 स्टेप मैनुअली आप इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हो। और इस बाइक में जो है 5 स्टेप गियर फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका फीचर्स दिखा देता हूँ कि फीचर्स में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। सो इस बाइक को जो है आप थोड़ा सा लॉन्ग राइड भी करोगे तो इसमें आपको जो है चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, ये जो है बहुत ही रेयर है इस चार्जिंग पोर्ट। और जो है इस बाइक में आपको हैजर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और बहुत सारा स्विच भी इसमें चेंजेस हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसका जो मीटर कंसोल कैसा है। तो मीटर कंसोल जो है इसका इंटरफेस ऐसा कुछ आएगा फिलहाल। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसमें जो है हैजर्ड लाइट कैसे दिया गया है। तो स्प्लेंडर प्लस में हैजर्ड का ऑप्शन ये बहुत ही बड़ी सी बात है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका हैजर्ड कैसे जलता है फिलहाल। तो हैजर्ड के साथ साथ इसका जो है DRL ये भी जल रहा है, लेकिन इसका DRL जो है थोड़ा सा लो ब्राइटनेस है इसका, तो ये तो डिसएडवांटेज है। लेकिन इस बाइक के मुकाबले ये जो है DRL इसका बहुत ही अच्छा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बैक साइड में हैजर्ड कैसे जल रहा है। बैक साइड में भी जल रहा है लेकिन इधर बहुत ही लाइट की वजह से ये थोड़ा सा डिम सा दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इसका जो है प्रॉपर लुक्स आपको मैं दिखा दिया हूँ।
तो अभी बात करते हैं इस बाइक का इंजन के बारे में। इंजन जो है प्रॉपर सेम टू सेम इंजन है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है और जो है इंजन का पावर भी सेम है। तो इसमें जो है फेयरिंग चेंज हुआ है, लाइट का फंक्शन चेंज हुआ है और जो है मीटर कंसोल और स्विच का चेंजेस किया गया है। फिलहाल इसका जो है बैक साइड का जो है मार्गार्ड ये भी चेंजेस हुआ है। स्प्लेंडर एक्सटेक जो है इसमें आपको जो है सेल्फ स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। सो सेल्फ स्टार्ट भी थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना अच्छा इसमें सेल्फ स्टार्ट दिया गया है। वन क्लिक में ये स्टार्ट हो जा रहा है और जो है इसका लाइट में दिखा देता हूँ कि कैसे जल रहा है, क्योंकि ये जो है LED नया लाइट आया हुआ है, लोगों को जो है बहुत ही पसंद आएगा और इसका ब्राइटनेस भी बहुत ही ज़्यादा है। और पासिंग लाइट में दिखाना चाहता हूँ कि पासिंग लाइट भी बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। सो बाइक का आवाज़ आप सुन सकते हो, सेम टू सेम साउंड आपको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इसका जो है स्टार्टिंग साउंड है ये आपको ऐसा ही कुछ मिलने वाला है और हैजर्ड का ऑप्शन मिलने वाला है और जो है आपको बहुत सारा फीचर्स भी इसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको एक हैजर्ड का ऑप्शन दिया जा रहा है, ये हैजर्ड का ऑप्शन और किसी बाइक में ऐसा सेगमेंट में नहीं देखने को मिलेगा। और जो है इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट भी दिया जा रहा है और सीट भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। सो कलरिंग भी बहुत ही अच्छा है, जो है मैट ग्रे कलर इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है इस बाइक को। और फिलहाल जो है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो है टायर है ये भी आपको C8 का टायर दिया गया है। 80x100 का इसमें टायर प्रोवाइड किया जा रहा है एलो व्हील के साथ। और जो है चेन कवर है ये आपको प्लास्टिक का मिलने वाला है, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे लगा है। फिलहाल फ्रंट में जो है टायर के बारे में बात कर लेते हैं, फ्रंट जो है टायर आपको मिलने वाला है, ये भी आपको जो है 80x100 का इसमें जो टायर देखने को मिल जाएगा। 18 इंच का व्हील इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है और एलो व्हील का जो है डिज़ाइन है ये भी बहुत ही अच्छा है। और इस बाइक में जो है आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, मतलब ब्रेकिंग में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब बाइक तो अच्छा है, लेकिन इसका जो है प्राइस के बारे में अभी बात करेंगे तो प्राइस जो है आपको लगभग इसमें 96,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस देखने को। तो 96,000 रुपीज़ में आपको जो है ये बाइक थोड़ा सा फीका लग सकता है, लेकिन इसमें जो है बहुत सारा फीचर्स भी दिया गया है। सो 1,000 रुपीज़ और भी दे सकते हो तो आपको जो है सुपर स्प्लेंडर भी मिल जाएगा। सो ये बाइक भी आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन सुपर स्प्लेंडर भी बहुत ही अच्छा बाइक है। तो फिलहाल चलिए गाइस और एक वीडियो में मिलते हैं और एक नया बाइक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।